हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। भाई, बहुत सारे फेक न्यूज़ आप सुन रहे होंगे कि 3 मई से एग्ज़ाम होंगे, 3 मई से एग्ज़ाम होंगे, ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, और बहुत सारे ऐसे फेक फेक उल्टा सीधा आ रहा होगा व्हाट्सएप पर। तो ये सब चीज़ें गलत है, बिवॉयर हो जाइए, बचिए इससे। सबसे पहले ऐसा कुछ होगा तो नोटिस के जरिए आपको पता चलेगा या ट्वीट के जरिए पीयूष गोयल साहब बताएंगे, तो उसका इंतजार करो। इन सब चीज़ों को देखे हो मत, और देखोगे तो उतना ही दिमाग खराब होगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। इतना बड़ा एग्ज़ाम इतनी जल्दी मुश्किल है, नामुमकिन है। ऑनलाइन कराना भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो इसलिए हो सकता है शायद ऑफलाइन भी हो, लेकिन कंफर्म नहीं है। परंतु जो भी देखते हो आप व्हाट्सएप के जरिए, जो भी पिक्चर आ रही है बाहर या फिर फेक न्यूज़ यूट्यूब पर आ रही है, वो सब गलत है। ये सारी चीज़ें फेक हैं कि एग्ज़ाम जो 3 मई को स्टार्ट होगा और ऑफलाइन होगा, ये सब गलत है। ऐसा कुछ प्रमाणिकता ही नहीं है कि कब होगा कैसा होगा, ये अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, तो कैसे कोई कह सकता है कि 3 मई से एग्ज़ाम हो जाएंगे। आप खुद ही सोचिए कि लगभग 2.5 करोड़ के आसपास विद्यार्थी हैं, इतने बड़ी मात्रा में उनके पास कैंडिडेट के फॉर्म हैं, उसको मैन्युअली या फिर सॉफ्टवेयर के द्वारा भी अगर उसको रिव्यू करेंगे तो भी लगभग 30 दिन का समय लग जाएगा, 30 से 40 दिन। और फिर सेंटर को अलॉट करना, सेंटर के बारे में जानना, इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगने वाला है। अगर बड़े मात्रा में भी काम किया जाएगा तो भी लगभग 40 से 50 दिन लग जाएंगे इस सब में। तो लगभग लगभग 2 महीने का टाइम है अभी, और मई में तो एग्ज़ाम मुश्किल है होना। हाँ, लेकिन जून के आखिरी में आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा कि एग्ज़ाम कब होंगे। जून के आखिरी में आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। और आप लोग जैसे भी हो तैयारी बहुत अच्छे से करो, और ये सब मत सोचो कि भाई एग्ज़ाम क्या कैसे होगा, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, जो भी होगा जैसा भी होगा ठीक होगा, सिर्फ तैयारी अच्छे से रखो। और इन फेक न्यूज़ के ऊपर विश्वास मत करो कि एग्ज़ाम कब होगा कैसा होगा। जो रियल न्यूज़ है वो आपको वेबसाइट या फिर नोटिस या फिर पीयूष गोयल साहब के ट्विटर पर ही मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।